Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of MGT 681 Applied Marketing Strategy. Today is the last lecture, lecture number 32. आज हम लोग जिन चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज़ द न्यू ग्लोबल पैराडाइम. हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो अभी हमने अप्लाइड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में पढ़ा, यानी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मार्केटिंग, और उसकी अप्लाइड साइड को देखा, उसकी ऑपरेशनल साइड को देखा. आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन नई किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं, किसी नई कल्चर में जाते हैं, ग्लोबलाइज करते हैं अपने ऑपरेशन को, तो उसमें क्या डायनामिक्स होते हैं, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. ये ओवरऑल उन स्ट्रेटजीज़ को लेक्चर देखेगा जो हम एम्प्लॉय करते हैं फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ आर प्रोडक्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ आर मार्केटिंग स्ट्रेटजी. और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब कोई भी हमारा प्रोडक्ट ग्लोबलाइज होता है, यानी कि डिफरेंट मार्केट्स में जाता है, तो उसमें क्या चेंजेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं, क्या चेंजेस हमें करने पड़ते हैं. सो मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर एजेंडा, लेक्चर एजेंडा में हम ये देखने की कोशिश करेंगे आज कि हम किन सवालों के जवाब तलाश करें. जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग हर लेक्चर के स्टार्ट में यही हम लोगों का एक वतीरा सा रहा है कि हम लोग कुछ सवाल अपने लिए सेट कर लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं अपने लेक्चर में उन सवालों के जवाब तलाश करने का. सो द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे वी आर लुकिंग एट इज व्हाट फैक्टर्स शुड अ कंपनी रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग टू गो अब्रॉड. यानी कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने ग्लोबलाइज करना अपने प्रोडक्ट को, हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट किसी फॉरेन मार्केट में सेल करना, तो फिर हम किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, किन चीज़ों को देखेंगे. देन हाउ कैन कंपनीज इवेल्यूएट एंड सेलेक्ट स्पेसिफिक फॉरेन मार्केट्स टू एंटर. कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इस फॉरेन मार्केट में हमने एंटर होना है, कौन सी मार्केट हमें लुक्रेटिव लगती है, कौन सी नहीं लगती, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे. देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग इन डिवेल्पिंग एंड डिवेल्प्ड मार्केट्स. यानी कि हम दो किस्म की डिस्टिंक्शन करते हैं ओवरऑल मार्केट्स की बेसिस पे. एक डिवेल्पिंग इकोनॉमीज हैं, या जिनको इमर्जिंग इकोनॉमीज भी कई बार कहा जाता है, एंड देन देयर आर डिवेल्प्ड इकोनॉमीज. इनके मार्केट डायनामिक्स फ़र्क होते हैं, इसलिए क्योंकि डिवेल्प्ड इकोनॉमीज में आपका जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पोलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट हैज़ डिवेल्प्ड टू अ मेच्योरिटी, और उस मेच्योरिटी की वजह से इनके मार्केट बिहेवियर्स फ़र्क होते हैं. इसी तरह जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें आपके पास लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इतने डेवलप नहीं होते, तो उस वजह से इनका मार्केट बिहेवियर फ़र्क होता है. तो उसमें हम डिस्टिंक्शन देखेंगे और इस डिस्टिंक्शन को कॉन्टेक्स्ट में रख के, इस डिस्टिंक्शन को बैकग्राउंड में रख के, हम अपना मार्केटिंग का जो स्ट्रेटजी प्लान है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें कहाँ पे ऑल्टरेशन, कहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत होती है. देन व्हाट वी वांट टू लुक एट इज़ व्हाट आर द मेजर वेज ऑफ एंटरिंग इन द फॉरेन मार्केट. यानी कि फॉरेन मार्केट में एंटर होने के कौन कौन से तरीके हैं. देयर आर सर्टन वेज जिससे आप किसी भी फॉरेन मार्केट को टैप कर सकते हैं, लेकिन हम उन स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे, उन स्पेसिफिक तरीकों को देखेंगे जिससे आप फॉरेन मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं. देन वी ऑल्सो वॉन्ट टू लुक एट टू वॉट एक्सटेंट मस्ट अ कंपनी अडैप्ट इट्स प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम टू ईच फॉरेन मार्केट और ईच फॉरेन कंट्री. दिस इज़ अ बिग डिबेट ग्लोबलाइजेशन की, जब हम बात करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करें या हम अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करें. सो इट्स अ ह्यूज डिबेट जिसको शायद हम एक लेक्चर में कवर ना कर सकें. इफ़ यू लुक थ्रू द लिटरेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन यू विल फाइंड दिस डिबेट वेयर इट हैज़ इट्स ओन डिस्कोर्स, जहाँ पे इस बारे में बात की गई है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम लेविट, जिसने अपने लेजेंडरी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल में बात की थी ग्लोबलाइजेशन की और कन्वर्जेंस ऑफ कल्चर की. ये सब फिनोमेना क्या वाकई हो रहा है या इसके पीछे कुछ और मुहरकात हैं, इन तमाम चीज़ों को इस एक लेक्चर में कवर करना मुश्किल है, लेकिन हम जनरली देखेंगे कि क्या करना चाहिए. एंड देन हाउ डू मार्केटर्स इन्फ्लुएंस कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट,
हम देखेंगे कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट क्या होता है और मार्केटर्स इसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड हाउ शुड द कंपनी मैनेज एंड ऑर्गेनाइज इट्स इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करते हैं. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी विल मूव टुवर्ड्स द लेक्चर प्रॉपर. लेक्चर प्रॉपर में वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज अ ग्लोबल फर्म. हम ये देखना चाहते हैं पहले कि ग्लोबल फर्म एक्चुअली है क्या. A global firm, I will read the textbook definition so that we know what is in the textbook. A global firm is the one that operates in more than one country. So first thing, us firm ko hum global firm kahenge, which is operating in more than one country and captures R&D, production, logistics, marketing and financial advantages in its cost and reputation that are not available टू प्योरली डोमेस्टिक मार्केट्स. यानी कि ये वो मार्केट्स हैं जो अपने प्रोडक्ट के लिए लॉजिस्टिक्स, अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट या कोई भी इस तरह का फंक्शनल ऑपरेशन किसी और कंट्री में जाके करते हैं और उसकी बेसिस जो है कॉस्ट एडवांटेज है, उसकी बेसिस रेपुटेशन डिवेलपमेंट है. अगर ये तमाम काम एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा कंट्री में कर रही है तो वी विल कंसिडर इट एज अ ग्लोबल फर्म. मूविंग फॉरवर्ड हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द मेजर डिसीजंस जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में लेना पड़ते हैं हमें. फर्स्ट थिंग इज डिसाइडिंग वेयर टू गो. यानी कि जब आपके पास एक ग्लोबल प्रोडक्ट है आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपने किन फॉरेन मार्केट्स में जाना है. ये डिसीजन बहुत दफ़ा कंपनीज के लिए सबसे मुश्किल डिसीजन होता है, इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी फॉरेन मार्केट के साथ डील कर रहे हैं तो यू आर डीलिंग विद सो मेनी वेरिएबल्स जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जो लीगल फ्रेमवर्क होता है वो डिफरेंट होता है. से आप यू आर प्रोड्यूसिंग पोर्क, आप पोर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और यू वॉन्ट टू गो ग्लोबल, लेकिन आपकी कंट्री ऑफ चॉइस कैन नॉट बी एन इस्लामिक कंट्री क्योंकि इन एवरी इस्लामिक कंट्री बाय रिलीजन यू कैन नॉट सेल पोर्क. मुसलमान पोर्क इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से यू कैन नॉट गो ग्लोबल इन टर्म्स के आप इस्लामिक कंट्रीज में पोर्क सेल करने की कोशिश करें. सो दिस इज़ वन ऑफ द मैनी फैक्टर्स जिनको आपको कंसिडर करना पड़ता है. देन देर आर कल्चरल फैक्टर्स, देर आर पोलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स. तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रख के आप अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं और उस कंट्री को चूज करते हैं जिस कंट्री में आप ऑपरेशंस कर सकते हैं. इसके अलावा आपको और जो फैक्टर्स देखने होते हैं वो ये हैं कि आप अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री में मूव करते हैं या किसी स्पेसिफिक कंट्री में जाते हैं, से आप अपनी प्रोडक्शन आउटसोर्स करना चाहते हैं किसी कंट्री में, तो क्या वहाँ पे स्किल्ड लेबर फोर्स अवेलेबल है, क्या आपको कोई कॉस्ट एडवांटेज होगी. तो इन तमाम सवालों के जवाब जब आपके पास होते हैं देन यू डिसाइड वेयर यू वॉन्ट टू गो. देन डिसाइडिंग विच मार्केट्स टू एंटर. जब हम लोगों ने बात की थी मार्केट्स की तो हम लोगों ने डिस्टिंक्शन की थी बिटवीन कंज्यूमर मार्केट्स जो हम मार्केटिंग के सब्जेक्ट में देखते हैं जिस तरह, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मार्केट्स की डिस्कस की थी. तो हम लोग कोशिश जब इस तरह की डिस्टिंक्शन करते हैं तो हम लोग जब यहाँ पे मार्केट्स की बात करें तो हम under the context, under the background, under the umbrella of marketing definition of markets की बात करते हैं. तो ये भी एक सवाल हमारे जहनों में होता है कि किन markets को tap किया जाए, कौन सी markets lucrative हैं, कौन सी markets आपको desired number of sales provide कर सकेंगी. For example, अगर आप बात करते हैं geography के base पे कि आप पाकिस्तान की market में enter होना चाहते हैं, लेकिन क्या आप कि जो मार्केट है वो आपको सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स दे सकेगी. आपको ये भी देखना है कि क्या उस से यू आर कमिंग अप विद अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, हाई एंड कार्स के साथ आप पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्या जो ऑपरेशंस आप करेंगे उसकी कॉस्ट आपकी सेल्स कवर कर सकेगी. उसमें आपको किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्या वहाँ पे इनकम लेवल इतना है कि लोग आपकी कार को अफोर्ड कर सकें, डेमोग्राफिक्स किस किस्म के हैं. तो ये तमाम चीज़ें मार्केट के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह साइकोग्राफिक मार्केट्स होती हैं, इसी तरह
एज की बेसिस पे आप मार्केट कर सकते हैं, जेंडर की बेसिस पे आप मार्केट्स डिफाइन कर सकते हैं. तो हर मार्केट के को जब आप डिफाइन करेंगे तो आप उस स्पेसिफिक कंट्री में उस प्रोडक्ट के यूजेज पैटर्न और बिहेवियर पैटर्न को जज करेंगे. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे जेंडर प्रोडक्ट्स हैं जो एक कंट्री में तो शायद इस्तेमाल होते हों, किसी दूसरे कंट्री में कल्चरल रीजंस की वजह से वो इस्तेमाल नहीं किए जाते. देन डिसाइडिंग हाउ टू एंटर, किसी भी मार्केट में एंटर होने के बहुत से तरीके हैं. आप लाइसेंसिंग के थ्रू एंटर हो सकते हैं, आप जॉइंट वेंचर्स के थ्रू एंटर हो सकते हैं, आप एक्विजिशंस कर सकते हैं. ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो हम अभी अपने लेक्चर में देखेंगे. तो डिसाइडिंग हाउ टू एंटर, दिस इज़ वन ऑफ द बिग क्वेश्चंस. और ये डिपेंड करता है एक मार्केट के लीगल स्ट्रक्चर पे, जिसमें वो डिफाइन करते हैं कि आप किस तरह एक मार्केट में एंटर हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल स्टेट डिवेल्पर. इमार एक रियल स्टेट डिवेल्पर है जो दुबई बेस्ड है. इमार इज़ वन ऑफ अ वेरी बिग रियल स्टेट डिवेलपमेंट कंपनी, जिसने बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की अब टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसको डिवेल्प किया. लेकिन जब उसने पाकिस्तान में एंटर होना था तो बाय लीगल कंडीशंस उसको किसी भी लोकल पार्टनर को अपने साथ शामिल करना था. सो अब जो उन्होंने एक अपना रियल स्टेट डिवेलपमेंट का प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद में स्टार्ट किया, इट इज़ कॉल्ड कैनियन व्यूज़. और कैनियन व्यूज़ दे हैव मेड अ लोकल पार्टनर, दे हैव अ लोकल पार्टनरशिप विद द DHA इस्लामाबाद, और उन्होंने उनके साथ मिलके, लोकल पार्टनर के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर किया. सो इस तरह आपको ये डिसाइड करना होता है बेस्ड ऑन द लीगैलिटीज ऑफ द कंट्री यू वांट टू ऑपरेट इन, कि हम लोगों को उस मार्केट में कैसे एंटर होना है. देन डिसाइडिंग ऑन मार्केटिंग प्रोग्राम, आपकी मार्केटिंग प्रोग्राम की निटिग्रिटीज क्या होंगी, उनकी किन चीज़ों पे लोग ऑफेंड हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस किस्म का होना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इफेक्टिव होगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनफेक्टिव है, इन तमाम चीज़ों को आपको देखना पड़ता है. देन डिसाइडिंग ऑन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपने अपनी मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग ओवरऑल है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है. ये डिपेंड करता है जो भी कंडीशंस उस मार्केट की होती हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ कंपनीज में जो एक जगह पे ऑपरेट कर रही हैं, से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनका मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत डिफरेंट होगी और USA के लिए बहुत डिफरेंट होगी. इसलिए क्योंकि लोगों के बिहेवियर्स फ़र्क हैं, लोगों की अप्रोच टूवर्ड्स प्रोडक्ट डिफरेंट है. कुछ प्रोडक्ट्स किसी कंट्री में कुछ और तरह से देखा जाता है, और किसी कंट्री में सेम प्रोडक्ट हो किसी और तरह से देखा जाता है. फॉर एग्जांपल, एक ही प्रोडक्ट की जापान में वैल्यूएशन या प्रोडक्ट की ओवरऑल जो फील है वो डिफरेंट होगी फ्रॉम USA. जापान के लोग उसको और तरीके से वैल्यूएट करेंगे, USA के लोग उसको और तरीके से वैल्यूएट करेंगे. इस फिनोमेना को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट की बात करेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रीजंस फॉर परसूइंग ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स को कैसे परसू करना चाहिए और उसका क्या तरीका होगा. फर्स्ट थिंग वी वॉन्ट टू लुक इन टू इज बेटर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज. जहाँ पे हमें बेटर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हम कोशिश करते हैं कि हम उन मार्केट्स को टैप करें. कई बार इस तरह होता है कि हमारी लोकल मार्केट में हमें वो चीज़ नहीं मिलती, वो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो देन वी डिसाइड ऑन गोइंग ग्लोबल. देन ग्लोबल मार्केट को टैप करने का एक और रीज़न भी हो सकता है, लार्जर कस्टमर बेस टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल. यानी कि जब आपकी कस्टमर बेस बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो बल्क में बाय करेंगे, और बल्क में जब बाय करेंगे यू विल अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कस्टमर बेस को इंक्रीज करने के लिए आप ये काम करते हैं. देन लेस डिपेंडेंस ऑन एनी वन मार्केट, इसे कहते हैं रिस्क मिटिगेशन. यानी कि आप अपना रिस्क को इतना
कम कर देते हैं, इतना डिवाइड कर देते हैं, इतना डाइवर्सिफाई कर देते हैं बाय डाइवर्सिफाइंग योर मार्केट पोर्टफोलियो, यानी कि आप एक मार्केट पे डिपेंड नहीं करते, आप मल्टीपल मार्केट में अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं। उससे ये होता है कि किसी एक मार्केट में अगर किसी वजह से रिसेशन आ गया तो आप अपने प्रॉफिट्स दूसरी मार्केट से रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कजाकिस्तान में बेच रहे हैं, अफगानिस्तान में बेच रहे हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस में बेच रहे हैं, तो इन केस लेट्स टेक एन एक्सट्रीम एग्जांपल, जैसे अफगानिस्तान में जंग शुरू हो जाती, तो आप अपनी जो डिपेंडेंस है अगर आपकी सिर्फ अफगानिस्तान पे होती तो आपका जो टोटल ऑपरेशंस हैं, टोटल मार्केटिंग है, टोटल बिजनेस है, वो ख़त्म हो जाता। लेकिन क्योंकि आपकी प्रेजेंस मल्टीपल मार्केट्स में, इस वजह से आप किसी एक इकॉनमी पे डिपेंड नहीं करते। डिजायर टू काउंटर अटैक ग्लोबल कंपटीशन इन देयर होम मार्केट्स, यानी कि जब आप ये समझते हैं कि कोई कंपनी आपको आपके मुल्क में आके कंपटीशन दे रही है, तो आप उसको काउंटर अटैक करने के लिए उसके मुल्क में जाके उसको कंपटीशन उसके लिए क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देन कंज्यूमर रिक्वायर इंटरनेशनल सर्विसेज, कई बार ग्लोबल होने की वजह ये भी होता है कि आप ये समझते हैं कि लोकली जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंज्यूमर को नहीं मिल रही, और हमारी यूनिक सर्विसेज कंज्यूमर को सिर्फ हम ही दे सकते हैं। देन यू ट्राई टू ग्लो ग्लोबल। देन रिस्क टू गोइंग अब्रॉड, क्या रिस्क हैं जब आप फॉरेन मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं? लैक ऑफ नॉलेज ऑफ फॉरेन कल्चर, ये हम लोगों ने बहुत देखा है, ये पीपल हैव मेड ह्यूज ब्लंडर, ह्यूज मार्केटिंग ब्लंडर्स जब वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाते हैं। रीज़न बीइंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और किस चीज़ से लोग ऑफेंड हो जाते हैं, किस चीज़ से लोग किस चीज़ को लोग बुरा समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर मार्केटिंग प्रोग्राम्स आर लिटर्ड विद बैड मार्केटिंग डिसीजन, जहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट के नाम रख दिए गए जो बड़े ही डिमीनिंग और वल्गर हैं किसी और लैंग्वेज में, मतलब वर्ड इज़ द सेम लेकिन उसको उसका उर्दू में कुछ और मतलब लिया जाता है और किसी और ज़बान में कुछ और मतलब लिया जाता है। सो ये चीज़ें इंसान को देखनी चाहिए, मार्केटर्स को देखनी चाहिए कि जब वो ग्लोबल मार्केट्स में जा रहा है तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं किसी भी फर्म के लिए। तो एक रिस्क जो है वो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का ना होना है। देन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन नीड्स, फॉरेन नीड्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम होने की वजह से आप मिस्टेक कर सकते हैं, यानी कि आपको ये नहीं पता कि कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है, और इस वजह से आप प्रोडक्ट इस तरह डिज़ाइन करते हैं जो जिसके बिकने का कोई इम्कान नहीं होता, तो इस किस्म की मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। देन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन रेगुलेशंस, कई बार बहुत हम लोग ऐसी मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं जहाँ की रेगुलेशंस की जो लीगल चीज़ें होती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, यानी कि जो फॉर एग्जांपल आप कोई भी गुड बेच रहे हैं उसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं या जो रेगुलेशंस इन्फोर्स्ड हैं उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग वी कैन कमिट इवन क्राइम्स। फॉर एग्जांपल जब आप पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज लेके आते हैं टेलीकॉम सर्विसेज, तो यू शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ PTA। अगर आप इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द PTA's रेगुलेशन तो यू आर कमिटिंग अ क्राइम एंड यू कैन बी ब्रॉट टू कोर्ट ऑफ जस्टिस। देन चेंज इन द कंट्री, चेंजेस इन द कंट्री एनवायरनमेंट, यानी कि कंट्रीज के एनवायरनमेंट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, इफ यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट देन यू विल बी इन हॉट वाटर, आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी उस कंट्री में ऑपरेट करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंट्रीज आर चेंजिंग इन देयर ओवरऑल सेंस। बहुत सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्री टू कंट्री चेंज हो रही हैं,
इफ यू डोंट अंडरस्टैंड चेंजेस दैट आर हैपनिंग तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बिजनेसेस के लिए सर्वाइव करना. देन फोर स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. स्टेप वन इज नो रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज. ये वो स्टेजेस हैं जिससे एक बिजनेस गुजरता है इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ. जब हम जाते हैं तो पहले स्टेज वन होती है एंड देन वी मूव टूवर्ड्स स्टेज फोर. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नो रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ के. या तो कोई एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती नहीं है सिरे से, या बड़ी कम, कभी कभार आपने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर दिए. देन यू मूव फ्रॉम नो रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ टू एक्सपोर्ट वाई इंडिपेंडेंट एजेंट्स. इंडिपेंडेंट एजेंट्स वो लोग होते हैं जहाँ पे आप किसी थर्ड कंपनी को हायर करते हैं और वो आपके लिए प्रोडक्ट जो है वो बेचती है फॉरेन मार्केट में. देन इस्टेब्लिश सेल्स सब्सिडरीज. फिर आप ये करते हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंट्स को ख़त्म करके आप सेल्स सब्सिडरीज बना देते हैं, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक सब्सिडरी बना देते हैं और वो आप अपनी सेल्स फोर्स मेंटेन करते हैं, अपना मार्केटिंग प्रोग्राम खुद इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इस केस में आप एक सब्सिडरी वहाँ पे जिस फॉरेन मार्केट में आप ऑपरेट करें वो क्रिएट करके उसके थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं. एंड द लास्ट स्टेज इज एस्टैब्लिश प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ अब्रॉड, यानी कि फिर आप सिर्फ वहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग या कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज नहीं करते बल्कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज़ द फाइनल स्टेज वेयर बाय यू हैव ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग इन अ फॉरेन मार्केट. देन what we want to look at is momentum in market entry. Market entry ke teen tareeke hain aur teen momentums mein, matlab kis tareeke se aap enter hote hain. Waterfall approach. Waterfall approach se murad ye hai ki aap systematically pehle ek country mein enter hote hain, thoda sa usme thodi si jagah pe operations karte hain, phir aap operations ko increase karte hain aur is tarah aap operations ko leke chalte hain. देन स्प्रिंकलर अप्रोच. स्प्रिंकलर अप्रोच में हम ये करते हैं कि हम एक ही साथ मल्टीपल कंट्रीज़ में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, इसको कहते हैं स्प्रिंकलर अप्रोच. देन बॉर्न ग्लोबल, ऐसी कंपनीज जो शुरू से ही जब स्टार्ट होती हैं तो अपने ऑपरेशन ग्लोबली स्टार्ट करते हैं, यानी उनकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी वर्ल्ड वाइड होती है. दीज आर कॉल्ड बॉर्न ग्लोबल. तो ये तीन तरीके हैं मार्केट एंट्री के. नाउ व्हाट वी वांट टू लुक एट इज लोकल डायनामोस. लोकल डायनामोस वो कंट्री वो बिजनेसेस हैं जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू the market which they in which they are operating. For example, एक कंपनी है जिसकी यहाँ पे पिक्चर है Electra. Electra ने Electra ये करती है कि ऐसे तमाम लोगों को जो $10 से कम दिन में प्रोड्यूस $10 से कम डेली वेजेस पे हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड करती है और उनको क्रेडिट पे ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं. इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोन भी ले सकते हैं, यहाँ से आप कैश जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं, यानी बैंकिंग के ऑपरेशंस भी इस पे कर सकते हैं. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ टेलर्ड टू हाउ लोकल पीपल वांट और लोकल जो प्रोडक्ट डिलीवरी का मेथड है जो एक्सेप्टेबल मेथड है आप उसके मुताबिक अपने ऑपरेशंस को टेलर करते हैं. तो दीज आर कॉल्ड लोकल डायनामोस. देन रीजनल फ्री ट्रेड जोन्स. कुछ रीजनल फ्री ट्रेड जोन्स हैं, जैसे आपके पास यूरोपियन यूनियन है जिस जो मुख्तलिफ यूरोप के कंट्रीज़ हैं उनकी ट्रेड यूनियन है जिसमें लोग जो भी इन यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं. कॉमन करेंसी है जिसे यूरो कहते हैं और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड लेबर जो है इन कंट्री में होता है.
बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इन कंट्रीज का कि फ्री ट्रेड जोन्स हों, और फ्री ट्रेड जोन्स का फायदा ये होता है कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं और इसमें ग्रेटर गुड देखा जाता है, यानी कि सबका फायदा हो उस दिन। तो इस तरह की बहुत सारी हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में नाफ्टा है, फिर एपैक है, आसियान है। इसके बारे में अगर आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट पे आप गूगल कर सकते हैं, या इस आप जो बुक है, किसी भी डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं जो इनको डिटेल में डिस्कस करती हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन का क्या इफ़ेक्ट है, या नाफ्टा का क्या इफ़ेक्ट है, आसियान कंट्रीज़ जो हैं वो कैसे ऑपरेट करें, कैसे दे आर कन्वर्टिंग और मूविंग देयर इकोनॉमीज टू मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज। नाउ की इमर्जिंग मार्केट्स, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ब्रिक, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका इज़ ऑल्सो इमर्जिंग मार्केट्स। इन इमर्जिंग मार्केट्स को यहाँ डिस्कस करने का मकसद ये है कि जब भी कोई मुल्क जो है वो इस तरह इमर्ज कर रहा होता है, उसकी इकॉनमी इतनी रोबस्ट हो जाती है, जहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, तो जितनी भी ग्लोबल फर्म्स होती हैं उनके टारगेट ये कंट्रीज़ हुआ करते हैं। जैसे जब भी कोई से प्रोडक्ट के बारे में सोचा जाता है कि इसको ग्लोबली लॉन्च किया जाए, देन दे स्पेसिफिकली कंसिडर ब्रिक कंट्रीज, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, क्योंकि दीज आर ह्यूज मार्केट्स विद पीपल हु हैव एम्पल मनी टू स्पेंड ऑन प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे बहुत तेज़ी से मिडल इनकम ग्रुप जो है वो ग्रो कर रहा है। इसी तरह चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू केटर टू वैरायटी ऑफ needs. Now, what we want to look at is the five modes of entry in the foreign market. यानी foreign market में entry के जो पांच तरीके हमारे पास हैं. One is direct exporting, then indirect exporting, licensing, joint ventures, and direct investment. The first is indirect export method. Indirect export method में हम ये करते हैं कि हम खुद अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, हम किसी भी मर्चेंडाइजिंग एजेंट के से या सेल्स एजेंट को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और वो फिर सेल्स एजेंट हमारे लिए या हमारा प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज़ में एज़ पर द डिमांड वो भेजता है। दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मेथड। इस मेथड के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि आप जब इनडायरेक्ट डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको वहाँ के जिस भी फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट जाना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना मार्केटिंग प्रोग्राम जो है उसके मुताबिक ऑल्टर नहीं करना। तो इन तमाम केसेस में आपको इन चीज़ों से आपकी जान छूट जाती है, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आप यू लूज़ द कंट्रोल ओवर ब्रांड इमेज, ब्रांड आइडेंटिटी, मार्केटिंग प्रोग्राम, कैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट किया जा रहा है, और फिर आपको फॉरेन मार्केट से जो फीडबैक, जो फर्स्ट हैंड फीडबैक है वो भी नहीं मिलती। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज। देन डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का मतलब है आप खुद किसी मुल्क में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के जो डिफरेंट मोड्स हैं दैट इज़ डोमेस्टिक बेस्ड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी कि आप ये कर सकते हैं कि अपना एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर लें अपने डोमेस्टिक मार्केट में, और वो डिपार्टमेंट जो है आपकी एक्सपोर्ट को देखें। देन ओवरसीज सेल्स ब्रांच एंड सब्सिडरीज, दूसरा तरीका यह है कि आप अपना डोमेस्टिक मार्केट में, यानी कि जो आपकी अपनी मार्केट है उसमें इस्टेब्लिश ना करें, बल्कि एक सेल्स डिपार्टमेंट जो भी फॉरेन मार्केट है उसमें इस्टेब्लिश करें, और उस सेल्स डिपार्टमेंट के
या सब्सिडरी के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचें। ट्रैवलिंग एक्सपोर्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं और ऑर्डर्स लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, ट्रेड शोज करते हैं। ये ज़्यादातर ड्यूरेबल गुड्स की केसेस में या उन गुड्स की केसेस में जो गवर्नमेंट परचेज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल मिसाइल सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं उनको परचेज़ करने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। एंड देन फॉरेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट, यानी कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट से बात कर लेते हैं जो वहाँ पे लोकेटेड होता है और उसके थ्रू आप सेल करते हैं। यानी कि इसमें आप एक्सपोर्ट तो खुद करते हैं लेकिन वहाँ पे जो सेल्स का जो काम है वो आप थर्ड पार्टी से करते हैं, करवाते हैं। देन लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग का तरीकाकार जो हमने पहले भी देखा है और पहले बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है इधर, जैसे कि मैंने तस्वीर लगाई हुई है KFC की। KFC इज़ एन एग्जांपल इन पाकिस्तान जो लाइसेंस्ड है। KFC स्टैंड्स फॉर कंटकी फ्राइड चिकन और कंटकी इज़ अ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स। सो यू कैन गेट द आइडिया कि KFC जो है वो पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान में वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने अपने ट्रेडमार्क और अपना प्रोसीजर्स, अपना प्रोडक्ट एक पाकिस्तानी कंपनी को लाइसेंस कर दिया है और वो जो भी लाइसेंसर है वो एक रॉयल्टी फी लेता है लाइसेंसी से और इस तरह ये ऑपरेशंस चलते हैं। तो इस तरह आप ग्लोबल मार्केट्स को टैप कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ हु इज़ मैनेजिंग KFC in Pakistan, company ka naam kya hai? That is a question that I want you to search on the internet. Internet pe aap KFC Pakistan ko search karenge, aapko site ka pata chal jayega aur uske about us ke section mein dekhiyega. Then you will get to know ke Pakistan mein KFC ka licensee kaun hai. Then joint ventures mein hum koshish ye karte hain ke kisi bhi कंपनी के साथ जो के फॉरेन मार्केट में ऑपरेट कर रही हो उसके साथ मर्ज करते हैं अपने ऑपरेशंस को, अपनी एक्सपर्टीज़ को, और जॉइंट वेंचर्स की सूरत में हम लोग अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। जॉइंट वेंचर्स के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फॉर एग्जांपल फ़ायदे उसके ये हैं कि जॉइंट वेंचर में आपकी कुछ एक्सपर्टीज़ होती हैं, कुछ आपके पार्टनर की एक्सपर्टीज़ होती हैं, आप एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर उसके अलावा जॉइंट वेंचर का फ़ायदा ये होता है कि रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि अगर प्रोडक्ट फेल होगा तो सिर्फ आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, आधा नुकसान आप उठाएंगे, आधा नुकसान आपका पार्टनर उठाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी शेयरिंग में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में आपको फ़ायदा होता है। लेकिन नुकसान जो इन चीज़ों का होता है वो ये है कि जॉइंट वेंचर में का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो डिसएग्रीमेंट है दोनों कंपनीज में जो जॉइंट वेंचर कर रही हैं। ये याद रखिए कि जॉइंट वेंचर्स में कंपनीज जो हैं अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करती हैं, अपनी लीगल आइडेंटिटी को रिटेन करती हैं। फॉर एग्जांपल से हम जॉइंट वेंचर कराते हैं कंपनी ए एंड कंपनी बी से, कंपनी ए का नाम है उमर एंड कंपनी और कंपनी बी का नाम है से XYZ कंपनी। तो XYZ कंपनी एंड उमर एंड कंपनी विल रिटेन देयर आइडेंटिटी, हाउएवर वो किसी प्रोडक्ट के लिए जॉइंट वेंचर करेंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हर कंपनी के अपने गोल्स होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हो सकता है उमर एंड कंपनी जो है वो सिर्फ एक कंट्री में नहीं, मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हो, जिसमें किसी एक कंट्री में जॉइंट वेंचर कर ले। फॉर एग्जांपल उमर एंड कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में भी बेच रही है, पाकिस्तान में वो किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लेती है, लेकिन USA, UK और फ्रांस में वो खुद काम कर रहे हैं। तो उनके इन दोनों कंपनीज़ के ऑब्जेक्टिव्स फ़र्क होंगे। इन ऑब्जेक्टिव्स में फ़र्क होने की वजह से इनके मार्केटिंग प्रोग्राम्स में फ़र्क होता है, इनकी प्रायोरिटीज़ में फ़र्क होता है। कुछ की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि वो किसी स्पेसिफिक चीज़ पे जो है वो ज़्यादा जोर दें, ज़्यादा उसको देखें। कुछ का ऐसा कोई इरादा नहीं होता। फॉर एग्जांपल सम वांट्स टू बिहेव एथिकली एंड सम डोंट, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है।
इसी तरह जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता, उसकी ब्रांड आइडेंटिटी पे आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता. सिंस यू आर शेयरिंग द स्टेक्स, यू हैव टू शेयर द डिसीजन मेकिंग पावर एज वेल. तो ये एक डिसएडवांटेज है जो मेजर कॉज है बाकी तमाम डिसएडवांटेजेस का, यानी कि डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू कंपनीज और थ्री कंपनीज हु आर ऑपरेटिंग जॉइंटली, उस उनमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. नाउ द अदर थिंग इज यू कैन डू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप उस कंपनी में उस कंट्री में जाते हैं और अपना प्रोडक्ट वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं और वहीं पे फिर आप अपनी सारी सेल्स डिपार्टमेंट, अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, सप्लाई चेन डेवलप करते हैं और फिर ऑपरेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जब भी आप कहीं पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंपनी के लिए दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केसेस में कंपनीज को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि उस मुल्क की फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी रेगुलेशंस होती हैं जिसमें फॉरेन कंपनीज को ये पाबंद किया जाता है कि जो भी वो प्रॉफिट कमाएंगी उसका एक हिस्सा वो दोबारा उसी मुल्क में इन्वेस्ट करेंगी. देन बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे मुल्क स्पेशली जैसे इंडिया है, वो पाबंद करता है कंपनीज़ को कि जब आप यहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे तो इतनी परसेंटेज जो प्रोडक्ट में सप्लाईज़ की है वो आप यहीं से सोर्स करेंगे, यानी इंडिया से ही सोर्स करेंगे. सो इस किस्म की रेगुलेशंस का आपको ख्याल रखना पड़ता है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो कंट्रीज़ होते हैं वो बड़ी कीनली मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि फॉरेन कंपनीज कैसे ऑपरेट कर रही हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आपको जो सबसे बड़ा नुकसान है दैट इज़ डिफरेंस इन द इकॉनमीज, यानी कि हो सकता है आपकी होम इकॉनमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो और जिस इकॉनमी में, फॉरेन इकॉनमी में आप ऑपरेट कर रहे हैं वो इतनी डेवलप ना हो. देन दे आर अदर फैक्टर्स टू कंसिडर एज वेल. हो सकता है उनकी डिप्रिशिएटिंग करेंसी हो जिसमें उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से डिप्रिशिएट हो, यानी कि करेंसी की वॉलेटिलिटी भी अफेक्ट करती है. देन उस कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन, उसकी लीगल सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्योंकि जब आप सिर्फ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आपके ऑपरेशन से लेके आपकी मैन्युफैक्चरिंग तक एक कंट्री में है और आप उस कंट्री की इकॉनमी पे हैवीली डिपेंड करते हैं तो इस हैवी डिपेंडेंस की वजह से यू आर एट अ ग्रेटर रिस्क. लेकिन एज वी से हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, यानी कि जितना ज़्यादा आपके पास रिस्क होगा चांसेस आर कि आप उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी कमाएंगे. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग. ग्लोबल मार्केटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. एडवांटेजेस ये हैं, आप इकॉनमीज ऑफ स्केल अचीव करते हैं, लोअर मार्केटिंग कॉस्ट्स होती हैं, पावर एंड स्कोप, यानी कि जब आप ग्लोबल इकॉनमीज, ग्लोबल मार्केटिंग की बात करते हैं तो यू हैव ह्यूज पावर्स इन योर हैंड. आप मार्केटिंग बहुत डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट्स में कर रहे होते हैं तो आपकी डिपेंडेंस कम हो जाती है किसी एक इकॉनमी पे. इसके साथ साथ आपका स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है. देन कंसिस्टेंसी इन ब्रांड इमेज, यानी कि जब आप ग्लोबल मार्केट में जाते हैं तो आप एक कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज मेंटेन कर सकते हैं थ्रू आउट द ग्लोब. देन एबिलिटी टू लिवरेज, यानी कि आप किसी भी स्पेसिफिक मार्केट इन कंडीशन से फ़ायदा उठा सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक इकॉनमी के तहत. एंड यूनिफॉर्मिटी इन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि अक्रॉस द वर्ल्ड आपकी जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो सेम होती हैं और आप सिमिलर तरीके से अपना प्रोडक्ट कैरी करते हैं. डिसएडवांटेजेस ग्लोबल मार्केटिंग के क्या हैं. डिफरेंसेस इन कंज्यूमर नीड्स, वांट्स, यूसेज पैटर्न, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि तमाम मुल्क के लोग आइडेंटिकल तरीके से प्रोडक्ट कंज्यूम करें. उनकी नीड्स वांट्स डिफरेंट होती हैं, इस वजह से उनको अप्रोच करना
एक ही तरीके से ज़रा मुश्किल हो जाता है। डिफरेंसेस इन कंज्यूमर रिस्पांस टू मार्केटिंग मिक्स, हो सकता है कुछ लोग आपका जो मार्केटिंग मिक्स है यानी जो प्रोडक्ट प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन ये तमाम चीज़ों का जो आपका प्लान है उससे एक कंट्री में तो वो बड़ा अच्छा चले, दूसरी कंट्री में वो अंडर परफॉर्म करे। देन डिफरेंसेस इन ब्रांड डेवलपमेंट प्रोसेस, ब्रांड डेवलपमेंट के जो प्रोसेसेस हैं वो कंट्री टू कंट्री फ़र्क करते हैं। कहीं पे बहुत तेज़ी से ब्रांड डेवलप कर जाता है, कहीं पे उसको बहुत टाइम लगता है टू बी एक्सेप्टेबल। एंड डिफरेंसेस इन एनवायरनमेंट, जो आपका लीगल पॉलिटिकल इवन के जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसके डिफरेंसेस से आपको अपने मार्केटिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं और उसकी वजह से आपके लिए काफ़ी मुश्किलात क्रिएट होती हैं। नाउ वी वांट टू सी द कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, कल्चरली ग्लोबल मार्केट्स कैसे डिफर करती हैं। ये हॉफस्टीड की कुछ डायमेंशंस हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। कुछ लोग हैं जो कलेक्टिविज्म में बिलीव करते हैं, कुछ इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करते हैं। कलेक्टिव सोसाइटीज़ में जो इंसान की सेल्फ वर्थ होती है दैट इज़ रूटेड इन द सोशल सिस्टम देन इंडिविजुअल सिस्टम, यानी कि जो भी सेल्फ वर्थ जो इंसान अपनी सेल्फ वर्थ महसूस करता है वो ओवरऑल सिस्टम में कलेक्टिव विजडम में कलेक्टिव अप्रोच में बिलीव करता है कि हमारी जो सेल्फ वर्थ है या जो हमारी ओवरऑल वर्थ है किस वो डिपेंड करती है कि हम कितना इकट्ठे रहते हैं और कितना हर चीज़ को इकट्ठा देखते हैं। जो इंडिविजुअलिस्टिक इकॉनमीज़ होती हैं, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स होते हैं, वहाँ पे हर इंसान इंडिविजुअली अपने आप को गेज करता है और इंडिविजुअली अपने अपनी सेल्फ वर्थ मेजर करता है। हाई इंडिविजुअलिज्म में जो है सॉरी हाई कलेक्टिविज्म में जापान है, पाकिस्तान है। लो कलेक्टिविज्म में यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी रिजल्टेंटली हाई इन इंडिविजुअलिज्म। हाई वर्सेस लो पावर डिस्टेंस, हाई पावर डिस्टेंस कल्चर टेंड टू बी लेस इगैलिटेरियन, यानी कि उसमें इक्वालिटी कम होती है। हाई पावर डिस्टेंस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो पावर डिस्टेंस है यानी कि एक दूसरे को के अंदर फ़र्क करना, यानी कि यहाँ पे सीईओ और मार्केटिंग मैनेजर एक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो सीईओ है उसका स्टेटस, उसकी पावर और उसका मर्तबा सेल्स मैनेजर से बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को हम पावर डिस्टेंस कहते हैं। और उसमें फिर इक्वालिटी यानी इगैलिटेरियनिज्म नहीं होता, हर एक को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। किसी की अगर एक बंदा से बात कर रहा है और दोनों एक ही बात कर रहे हैं तो अगर सीईओ कहेगा तो उसकी वर्थ होगी, अगर सेल्स मैनेजर कहेगा तो उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। यानी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इक्वालिटी नहीं है, किसी को बर्तर समझा जाता है, किसी को अबतर समझा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड पावर डिस्टेंस। रशिया इज़ हाई इन पावर डिस्टेंस एंड नॉर्डिक कंट्रीज़, ये जो आपके फिनलैंड और स्वीडन वगैरह हैं, दे आर लो इन पावर डिस्टेंस। यानी कि ये जो आपका पावर डिस्टेंस है कल्चर में अगर हो तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपका पावर डिस्टेंस हाई है तो आपको वहाँ पे अफसर शाही नज़र आएगी, वहाँ पे अफसर बहुत ऊपर होगा और जो नीचे वाले हैं वो बहुत ही नीचे होंगे। आपको इवन के उनके बिल्डिंग्स में नज़र आएगा कि दिस इज़ अ हाई पावर डिस्टेंस कल्चर, यानी कि ऑफिसर्स जो होंगे, जो बड़े बड़े अफसरान होंगे, उनके बड़े बड़े कमरे होंगे और जो छोटे रैंक पे, जो छोटे लेवल पे लोग होंगे उनके छोटे छोटे क्यूबिकल्स दिए होंगे। हाउएवर जो कंट्रीज़ हैं जिनमें इगैलिटेरियनिज्म है, जिसमें लो पावर डिस्टेंस है, वहाँ पर आप देखेंगे कि ओपन प्लान आपको वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ पे हर बंदा एक बड़े से हॉल में बैठा है, जहाँ पे वहाँ का डायरेक्टर से लेके एक आम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तक एक ही
ओपन हॉल में बैठे हुए. देन मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, द डायमेंशन मेजर्स हाउ मच द कल्चर इज डोमिनेटेड बाय असर्टिव मेलनेस या असर्टिव मेल वर्सेस नर्चरिंग फीमेल्स. ये एक कॉन्सेप्ट है कि कौन किस में बहुत ज़्यादा असर्टिव होके बात करते हैं और कौन लोग जो है बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होते हैं यानी ख्याल रखने वाले. तो दिस इज़ काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन कल्चर्स. जैसे जापान इज़ हाईली मैस्कुलिन एंड नॉर्डिक कंट्रीज आर फेयरली फेमिनिन. देन वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, यानी कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कितनी ज़्यादा है. अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडिकेट्स हाउ रिस्क अवर्सिव पीपल आर. हम ये देखते हैं कि कितने लोग रिस्क से बचने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हाई अवॉइडेंस जो है वो ग्रीस में है, यानी कि वहाँ के लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते. एंड लो जो है वो जमैका में है, यानी कि वहाँ के लोग हाईली रिस्क टेकर्स होते हैं. तो ये डिफरेंसेस होते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट मार्केटिंग एस्पेक्ट्स माइट बी अडेप्टेड फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स मार्केटिंग. क्या क्या हम ये देखना चाहते हैं कि एस्पेक्ट्स जो हैं मार्केट के दैट मस्ट बी अडॉप्टेड और दैट माइट बी अडॉप्टेड व्हेन यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल मार्केटिंग. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट फीचर्स, इनको अडॉप्ट किया जा सकता है. लेबलिंग, किस तरह से लेबल किया जा रहा है. कलर्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं. हो सकता है आपको एक इंटरनेशनल मार्केट में ग्रीन कलर का मतलब मुख्तलिफ हो और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में ग्रीन कलर का मुख्तलिफ मतलब हो. एक में वाइट कलर का मतलब मुख्तलिफ हो और दूसरे कंट्री में वाइट कलर का मतलब मुख्तलिफ हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वाइट ड्रेसेस पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में यूज़ करेंगे फॉर वेडिंग सेरेमनीज़, तो ये शायद उतना एक्सेप्टेबल ना हो. खैर आजकल के दौर में मे बी वाइट ड्रेसेस मे बी दे आर एक्सेप्टेबल, लेकिन आज से अगर 15-20 साल पहले देखते तो जो वेडिंग ड्रेसेस होते थे फीमेल्स के दैट वर सपोज टू बी रेड. तो क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर जो है वो मातम का रंग समझा जाता है. इसी तरह वाइट कलर यूरोप में वेडिंग ड्रेसेस का रंग होता है और ब्लैक कलर जो है वो जब कोई डेथ होती है किसी के फ्यूनरल पे पहना जाता है. सो दिस इज द डिफरेंस व्हाट कलर्स मींस टू डिफरेंट कल्चर्स. देन मटेरियल्स किस किस्म के इस्तेमाल किए जा रहे हैं. हो सकता है आपको वो अडेप्ट करने पड़े. सेल्स प्रमोशन किस किस्म की यूज़ करेंगे. एडवर्टाइजिंग जो मीडिया है वो कैसा. पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूशन, प्राइसेस. हो सकता है आपको एक कंट्री में आप ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकें, एक कंट्री में आपको प्रोडक्ट सस्ता बेचना पड़े. देन एडवर्टाइजिंग थीम्स क्या हैं. प्लस कई बार आपको ब्रांड नेम भी चेंज करना पड़ता है. एक ही ब्रांड का मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में. जैसे फेरी एक वॉशिंग लिक्विड है, उसके मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ नाम हैं. देन कमांडमेंट्स ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द ग्लोबल ब्रांडिंग लैंडस्केप, यानी कि आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए. क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं. देन डू नॉट टेक शॉर्टकट्स इन ब्रांड बिल्डिंग. ब्रांड बिल्डिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसको बॉटम अप प्रोसेस से लेके चलना चाहिए. इसमें शॉर्टकट कोई नहीं है. तो उस ब्रांड को ब्रांडिंग करने का या ब्रांड को डेवलप करने का कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि उसको बॉटम अप स्ट्रेटजी से डेवलप करना चाहिए. इस्टेब्लिश अ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें. देन एम्ब्रेस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. हमने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आपके तमाम मार्केटिंग चैनल से एक ही मैसेज जाना चाहिए और एक ही तरह से
उनको एक्सप्लेन करना चाहिए अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को. देन इस्टेब्लिश ब्रांड पार्टनरशिप्स, यानी कि अगर आप समझते हैं कि आप कहीं पे वीक हैं तो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ आप ब्रांड पार्टनरशिप करें. देन बैलेंस स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन. ऐसा हो नहीं सकता कि तमाम इकॉनमीज जो हैं वो एक जैसी हों, और ऐसा हो नहीं सकता कि उनमें बिल्कुल ही कोई कॉमनलिटी ना हो. तो आपको देखना चाहिए, यू हैव टू बैलेंस बिटवीन कहाँ पे आपको स्टैंडर्डाइज करना है प्रोडक्ट को और कहाँ पे उसको कस्टमाइज करना चाहिए, यानी उसमें चेंजेस लाने चाहिए. बैलेंस ग्लोबल एंड लोकल कंट्रोल्स. आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे लोकल कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पे ग्लोबल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपको पावर अपने हाथ में रखनी है और कहाँ पे उसको डेलीगेट करना है. देन इस्टेब्लिश ऑपरेबल गाइडलाइंस, यानी कि किस तरह ऑपरेशन को लेके चलना है उसकी एक गाइडलाइंस ज़रूर आपको सेट कर देनी चाहिए. आपको बिल्कुल उसको डिक्टेट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी गाइडलाइंस ज़रूर होनी चाहिए. इम्प्लीमेंट ग्लोबल ब्रांड इक्विटी मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि आपको अपनी ग्लोबल ब्रांड इक्विटी जो है उसको मेजर करते रहना चाहिए. एंड लिवरेज ब्रांड एलिमेंट्स, जो ब्रांड एलिमेंट्स आप समझते हैं कि यू कैन लिवरेज अपॉन, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ब्रांड नेम बहुत स्ट्रांग है तो आप प्रोडक्ट एक्सटेंशन में अपने जो आपका भी जो भी मदर ब्रांड है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें. देन what we want to look at is five international product and communication strategies. isme hum logon ne ek side pe do not change communications or adapt communications le liye, dusri side pe humne do not change product, adapt product and new product, develop new product ke liye. so strategies kya ho sakti hain? स्ट्रेट एक्सटेंशन में हम लोग क्या करते हैं कि ना कम्युनिकेशन चेंज करते हैं ना प्रोडक्ट चेंज करते हैं, बल्कि उसी तरह ग्लोबल मार्केट में ले जाते हैं, उसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में ले जाते हैं. कम्युनिकेशन अडेप्शन, यानी कि आप प्रोडक्ट सेम रखते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन चेंज करते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट को चेंज करते हैं और कम्युनिकेशन सेम रखते हैं, या फिर आप डुअल अडॉप्शन करते हैं, दैट इज़ आप अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस करते हैं और कम्युनिकेशन में भी चेंज करते हैं. और देन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये यानी कि आप कोई प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं तो आप यू आर गोइंग थ्रू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और उसमें फिर आपको डिसाइड करना होता है कि आपने कम्युनिकेशन किस तरह का रखना है, और आपने प्रोडक्ट अगर नया डिवेल्प किया है तो उसकी क्या नेटी ग्रिटीज़ होंगी, क्या फीचर्स होंगे. तो ये दिस इज़ अ टोटली न्यू थिंग. Then levels of product adaptation, यानी कि product किस level तक आप adapt कर सकते हैं. Production of regional product versions, के एक region के लिए आप specific product बना दें, यानी कि जो समझते हैं आप थोड़ा बहुत उनकी language या culture same है तो उसके लिए आप एक ही तरह का product बना देते हैं. For example, South Asia के लिए आप एक product बना दें, North America के लिए एक प्रोडक्ट बना दें, वेस्ट यूरोप के लिए एक प्रोडक्ट बना दें, मिडल ईस्ट के लिए एक प्रोडक्ट बना दें. तो दिस इज़ कॉल्ड रीजनल वर्जन्स. देन प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ कंट्री वर्जन्स, यानी कि आप स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए स्पेसिफिक वर्जन्स जो हैं वो बनाते हैं. देन प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिटी वर्जन्स, यानी कि एक स्पेसिफिक सिटी के लिए भी आप अपने प्रोडक्ट को टेलर करते हैं. अपनी सर्विसेज हैं वो लाहौर में अलग हैं, उसका एक वर्जन है, कराची में अलग वर्जन है. हो सकता है कराची में आप फुल सर्विसेज दे रहे हैं विद ऑल ऑप्शन, लाहौर में उससे कम, इस्लामाबाद में उससे कम, पेशावर में बिल्कुल स्ट्रिप डाउन वर्जन दे रहे हैं. सो इट डिपेंड्स कि आप सिटी वर्जन भी निकालना चाहते हैं. देन प्रोडक्शन ऑफ रिटेलर वर्जन, यानी कि आप एक रिटेलर पे प्रोडक्ट का और वर्जन दे रहे हैं, दूसरे रिटेलर पे प्रोडक्ट का और वर्जन दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल, कन्वीनियंस शॉप्स जो हैं आपकी, उस पर आप से सिर्फ 500 ग्राम का पैक दे रहे हैं डिटर्जेंट का, लेकिन जो आपके बड़े हाइपर मार्ट्स हैं जैसे लाहौर में हाइपर स्टार है, वहाँ पे आप 3 किलो का पैक भी दे रहे हैं. रीज़न भी कि वहाँ पे लोग बल्क में चीज़ें ख़रीदते हैं. सो इस तरह आप मुख्तलिफ रिटेलर्स के लिए मुख्तलिफ वर्जन्स भी बना सकते हैं. देन प्राइस चॉइसेस हमारे पास 3 होती हैं, यानी कि सेट यूनिफॉर्म प्राइस एवरीवेयर. अगर आप से फरारी आपने ख़रीदनी है तो आप चाहे पाकिस्तान में ख़रीदें,
चाहे बांग्लादेश में ख़रीदें, चाहे इथोपिया में ख़रीदें या यूएसए में ख़रीदें, प्राइस आपकी सेम रहेगी। देन सेट अ मार्केट बेस्ड प्राइस इन ईच कंट्री, यानी कि हर कंट्री के लिए आप मार्केट बेस्ड प्राइस रखें, यानी कि इंग्लिश लेदर सोप जो है वो आपको यूके में महंगा मिलेगा और पाकिस्तान में सस्ता मिलेगा। सेट कॉस्ट बेस्ड प्राइस इन ईच कंट्री, यानी कि हर कंट्री में जो प्राइस होगी उस कंट्री तक से, अगर प्रोडक्शन आप किसी और मुल्क में कर रहे हैं तो उस पे जो फ्रेट के कॉस्ट होंगी उस कॉस्ट के बेसिस पे आप उसकी प्राइस सेट करेंगे, या उस कंट्री में प्रोडक्शन अगर सस्ती है और आप किसी और कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें महंगी है तो आप उसकी कॉस्ट पे प्राइस सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने दो प्लांट लगाए, एक पाकिस्तान में लगाया और एक आपने फ्रांस में लगाया, फ्रांस में क्योंकि लेबर महंगी है तो आपका प्रोडक्ट फ्रांस में महंगा होगा, पाकिस्तान में लेबर सस्ती है तो आपका प्रोडक्ट पाकिस्तान में सस्ता होगा। देन व्हाट इज ग्रे मार्केटिंग, ग्रे मार्केटिंग क्या है? अ ग्रे मार्केट कंसिस्ट ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स डाइवर्टेड फ्रॉम नॉर्मल ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द कंट्री ऑफ प्रोडक्ट ओरिजिन और क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, डीलर्स इन लोअर प्राइस कंट्रीज सेल प्रोडक्ट इन हायर प्राइस कंट्रीज। ग्रे मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क में जो है वो हम बहुत सस्ता प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और या बहुत सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हैं और यूएसए में बहुत महंगा बेच रहे हैं, तो क्या करेंगे कि यहाँ के डीलर ये प्रोडक्ट उठा के यूएसए में बेचना शुरू कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड ग्रे मार्केटिंग। फॉर ये लेट्स टेक एन एग्जांपल, से जो माइक्रोसॉफ्ट है दे आर पजल्ड एंड रिडल्ड विद अ प्रॉब्लम के इस ये जो पायरेसी का प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सो अगर उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में लोअर वर्जन, लोअर प्राइस्ड वर्जन ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर विल बी सोल्ड, से उधर $500 की जो है वो एक विंडोज़ 8 की सीडी है, विंडोज़ 8 का एक लाइसेंस से सपोज करें $500 का कम मिल रहा है। सो $500 इज़ रफली अगर हम कहें तो 47,000 रुपीस बन जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में वो डिसाइड करते हैं कि हम 3,000 रुपये का बेचेंगे लाइसेंस्ड वर्जन। जब डीलर्स को पता चलता है कि ये इतना सस्ता बिक रहा है पाकिस्तान में, सो व्हाट दे डू इज़ वो जो पाकिस्तान में सेल हो रहा है वो ख़रीद के बल्क में वो लाइसेंसेस ख़रीद के यूएसए में बेचना शुरू कर देते हैं। अब यूएसए में जो कॉस्ट है उसको वहाँ पर बेचने की वो भी कवर हो जाती है, मतलब जो भी आपकी फ्रेट कॉस्ट हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैं वो कवर करने के बाद भी आपको फ़ायदा दे जाती है, क्योंकि वहाँ पे 47,000 की मिल रही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो 15,000 की पड़ जाएगी और आप 20,000 की बेच देते हैं तो आपको वहाँ पे हाई प्रॉफिट्स हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रे मार्केटिंग, जहाँ पे आप जो लो प्राइस्ड प्रोडक्ट है जो कंपनी ने उसी स्पेसिफिक कंट्री में बेचने के लिए ताकि उस मार्केट को डेवलप किया जा सके वहाँ के लिए बनाया और आप उसको उठा के किसी ऐसी मार्केट में बेचना शुरू कर दें जहाँ पे वो प्रोडक्ट हाईली प्राइस्ड है। कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट, कंट्री ऑफ ओरिजिन परसेप्शंस आर द मेंटल एसोसिएशंस एंड बिलीफ्स ट्रिगर्ड बाय कंट्री। कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट का मतलब ये है कि जब आप ये समझते हैं कि ये फलाने कंट्री से आपके पास चीज़ आई है तो आपके कुछ परसेप्शंस होते हैं जो आप डिवेलप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में परसेप्शन है कि ये चीज़ चाइना की है तो ये सब स्टैंडर्ड ही होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। चाइना में बहुत सारी क्वालिटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं जो पाकिस्तान के लिए यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए और किस्म की क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए वो और किस्म की क्वालिटी प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जो चाइना की जो चीज़ है या हम लोगों के यहाँ ये एक चीज़ बन गई कि जो चीज़ सब स्टैंडर्ड तो हम उसको कहते हैं ये तो चाइना की है। फिर हम जैसे जब हम बात करते हैं सूट्स की तो हम कहते हैं कि इटालियन सूट्स जो हैं वो बड़ी क्लास होती है उसकी, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। फिर हम जब गाड़ियों की बात करते हैं तो हम समझ कहते हैं कि जापानी गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट, यानी कि किस जिस जगह से आ रही है चीज़ वो चाहे जिस क्वालिटी की मर्जी हो लेकिन आपने एक परसेप्शन डेवलप कर लिया होता है कि क्योंकि ये उस कंट्री से आ रही है तो इस वजह से या तो ये
बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी या बहुत बुरी क्वालिटी की होगी, या इसके फीचर्स ठीक नहीं होंगे, या ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी. सो दिस इज़ कॉल्ड कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट. पीपल आर ऑफन एथनोसेंट्रिक एंड फेवरेबल predisposition to their own country's product. Ethnocentrism ये होता है कि जब आप अपने culture की basis पे दूसरों को evaluate करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप समझते हैं क्योंकि ये हमारे culture में चीज़ बुरी है इसलिए ये चीज़ ही बुरी है, क्योंकि ये हमारे culture में चीज़ अच्छी है इसलिए ये अच्छी चीज़ है. This is called an ethnocentric approach. और कुछ लोगों में ये होता है, ये चीज़ होती है कि वो they have natural tendency कि वो अपने मुल्क के प्रोडक्ट को बहुत हाईली एवेल्यूएट करते हैं या बहुत बुरा समझते हैं. फॉर एग्जांपल हम समझते हैं पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है देयर इज़ ऑलवेज सब स्टैंडर्ड. जब भी हम कहीं पे कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो वो आपको ये बताता है कि सर ये चीज़ आप ख़रीदें ये इम्पोर्टेड है. किसी चीज़ का इम्पोर्टेड होना इट्स नॉट अ गारंटी कि वो अच्छी चीज़ होगी. इसी तरह USA में जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो चीज़ उनके मुल्क में बनी है वो बेस्ट क्वालिटी की है, एंड दे ट्राई टू प्रेफर थिंग्स दैट आर मेड इन यूनाइटेड स्टेट्स. सो दिस इज़ कॉल्ड कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट. टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी फॉर द लास्ट 32 लेक्चर्स. आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस मार्केटिंग कोर्स. Thank you very much once again. Goodbye and Allah Hafiz.